हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा इंडियन वेज रेसिपी में आप लोगों को स्वागत करती हूं। आज हम बताएंगे काजू और बादाम को कैसे रोस्ट करें, लंबे समय तक आप इसे रख सकते हैं स्टोर करके। इसको रोस्ट करने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में नमक डालेंगे। नमक को हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा नमक जल्दी गर्म हो। हमें नमक को हाई फ्लेम पर गर्म करना है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो। नमक चलाते रहेंगे ताकि जल्दी नमक हमारा गर्म हो। नमक हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम काजू डालेंगे। गैस को लो कर देंगे और इसे चलाते हुए हमें रोस्ट करना है, जब तक से इसका कलर चेंज ना हो जाए, सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे रोस्ट करना है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है, कुरकुरापन इसमें रहता है, बहुत लंबे समय तक चलता भी है। डब्बे में भर के रख सकते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसे छन्नी के सारे निकाल लेंगे। मैंने सारे काजू को निकाल लिया है, आप लोग देखें कितना अच्छा इसका कलर चेंज हो गया है, कुरकुरा रहता है। सेम कढ़ाई में, सेम नमक में हमें बादाम रोस्ट करना है। इस बादाम को उसमें डाल लेंगे और इसको भी चलाते रहेंगे। इसको भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करना है। मीडियम आंच पे हमें चलाना है, हाई पे नहीं रखना है। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सा क्रेक भी आ गया है। अब छन्नी के सारे इसको निकाल लेंगे। हमने सारे बादाम को निकाल लिया है। आप लोग इस तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप लोग देख सकते हैं कलर कितना चेंज है, एकदम कुरकुरा और नमकीन जैसा है। आप इसे तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। आप इसे डब्बे में भर के रख सकते हैं, मेहमान के चाय के साथ आप लोग इसे दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है।